के बाद लास्ट में आ गई अंडा, जो जैसे मैंने आपको बोला था आजकल मैं इनको डाइट में अंडा दे रहा हूँ, तो ये मैंने अंडा तोड़ के डाल दिया। हालत सही नहीं है, इनको इंशाल्लाह रिकवर कर लूँगा, आपको दिखाता हूँ। आपको जैसे मैंने दिखाया था अभी जो एक्सपायर हुए उनको हम अभी दफनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इतने दिनों से व्लॉग आ नहीं रहा था क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, और सेटअप का तो काफ़ी दिनों से हमने व्लॉग नहीं बनाया कि सेटअप में क्या अपडेट है। तो सेटअप में कोई अच्छी अपडेट नहीं है क्योंकि गर्मी, आपको पता है गर्मी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी है। तो अब ये है कि जो भी सेटअप में कह सकते हैं बैड न्यूज़ वो आपसे शेयर करते हैं एक एक करके। तो चलें सबसे पहले आपको जो अपने जितने भी असील सेटअप है वो दिखाते हैं, बाकी जितने भी परिंदे हैं उनकी अपडेट दे देंगे किसी क्या अपडेट है। तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजरीज से। तो ये रहे हमारे बजरीज, ये वाली कॉलोनी बजरीज थी। अच्छा यहाँ पर अभी मैं आया हूँ 10 मिनट, और आप गर्मी का आलम देख सकते हैं। ये देखें मेरे पूरा पसीने से क्या हाल हो गया, देख सकते हैं अभी भी फेस पे सब, मैंने मुँह नहीं धोया, ये सब पसीना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ अपडेट देख लेते हैं। हाँ मैंने अभी ऐसे ही देखा था, तो मैं देख रहा था तो मुझे बस एक ही बैड न्यूज नज़र आई थी, एक बच्चा वो देखें वो केज मछली अपने ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आया हुआ, अगर मैं उसको जूम कर सकूं। और एक बैड न्यूज़ ये कि एक ये फीमेल यहाँ पड़ी हुई, ये एक्सपायर हो चुकी है, ये देख सकते हैं ये भी फीमेल, ये फीमेल एक्सपायर हो चुकी है। और इस फीमेल को अभी उठा के मैं रखता हूँ, और इसके ये वाली जो कॉलोनी है हमारी बजरीज की, इसमें भी वैसे तो गर्मी की वजह से सारी ब्रीडिंग बॉक्स खाली है, एक साथ में ही शायद बच्चे हैं, और बाकी गर्मियों की वजह से सारी जो फीमेल्स हैं उनके एग मैंने रिमूव कर दिए, बाकी एक आध फीमेल के एग्स हैं वो भी मैं अभी रिमूव कर दूँगा क्योंकि वो एग खाली हैं, उनमें कोई बच्चे नहीं है गर्मी की वजह से। और ये यहाँ पर भी बच्चा निकला है वो ये रहा, और यहाँ पर अपनी बैड न्यूज़ थी कल वो ये रहे, ये जो बजरीज यहाँ पे भी एक पैर होगा फीमेल को भी रखते हैं, इनको दफनाते हैं। और रही बात हमारे असील की, तो ये यहाँ पर हमारे पास इस केज में जो थे असील, वो देख सकते हैं आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका साइज पहले कैसे था, ये फीमेल बना है और ये अभी ये दोनों प्योर हीरा है, देख सकते हैं तो कहीं भी स्पॉट नहीं है, ये भी हीरा का बच्चा है, मगर इसके जो चिक पे देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन पैसे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये जो हमारी ये फीमेल थी, ये फीमेल भी माशाल्लाह से हेल्दी एंड एक्टिव है। उसके बाद ये हमारा प्लेयर जो यहाँ होता था, इसको हमने यहाँ चेक कर लिया क्योंकि चूजे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं ये रहा ये प्लेयर हमारे शेरू, शेरू की वही कंडीशन है, कोई ख़ास अपडेट नहीं है इसकी ग्रोथ में, इसका जो लकवा था ये कुछ बस 50-50 कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ अपनी इस बीमारी से, बस 50-50 ये चल रहा है, गुजारा हो रहा है। इसकी गर्दन भी देख सकते हैं वैसे ये है पूरा वाइट, ये गंदा हुआ है। अभी मैं कोशिश करता हूँ, गर्मी बहुत है, इन सारे चूज़ों को मुर्गियों को इन सबको एक क्विक बात दूँ, और जल्दी से उनको नहलाता हूँ, एक शॉर्ट सा बात देता हूँ उनको खाना देने के बाद, मिनरल सबका पहले पानी चेंज करता हूँ। और ये प्यार है हमारे पास, प्यार भी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, ये प्यार भी सेट है माशाल्लाह। और ये फीमेल मोल्टिंग पर आई हुई है, इसके सारे पर आप देख सकते हैं नीचे पड़े हैं, और मैं खोल के अगर दिखा सका इसका केस मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं मैं अपनी जो टेल है, बाकी इसके जो फीगर वगैरह है, बेसिकली मोल्टिंग ये होती है जैसे आपको पता है इंसान अपने रंग बदलता है, इसी तरीके से जो जानवर है वो भी साल में एक दफ़ा फीगर होते हैं वो सारे ग्राह के नए फीगर लाते हैं, इसको मोल्टिंग कहते हैं। बाकी यहाँ पर भी जो ये फीमेल वगैरह मैंने रखी हुई थी, ये भी माशाल्लाह से सैड हैं, और ये जो जावा है, जावा की भी अपडेट है माशाल्लाह, जावा भी अपनी काफ़ी सैड है। बाकी जितने भी बर्ड हैं ये अपने अगर सेट हैं, ये मुर्गियों के अंडे जो पड़े हुए,
ये आजकल मैं हम लोग खा नहीं रहे, गर्मी बहुत है ना, मैं इनको फॉस्टर कर रहा हूँ। तो अभी जब मैं इनकी फीड बनाऊंगा तो इसी में ये एक अंडा ऐड कर देता हूँ, उसको मिक्स कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर भी एक बच्चा वो देख कितने सामने आया हुआ है, और ये जो फीमेल, अभी जो मैंने आपको मेल दिखाया था हमारा, वो फीमेल भी खाता है ये माशाल्लाह से, अकेले अपने बच्चों को पाल लिए। इसके ब्रीडिंग बॉक्स मेरे ख्याल में 2 बच्चे हैं या एक बच्चा, और ये अकेले इन बच्चों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से पाल लिए। जब ये क्लच को कम्प्लीट कर लेंगे तो उसके बाद नया मेल छोड़ेंगे। ये पेयर भी सैड है, ये पेयर भी अपनी जगह सैड है, और ये हमारी बेचारी फीमेल फिंच की कब से सालों से अकेली है, इसके लिए भी मेल लाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। और बाकी रही बात हमारे लव बर्ड्स की, इनको चेक कर लेते हैं। वैसे तो गर्मी है, सबके ब्रीडिंग बॉक्स हटाने हैं मुझे, अगर मैंने इनको ऐसे ही दिया हुआ, इन्होंने ब्रीड नहीं करी होगी मुझे पता है। हाँ देख सकते हैं खाली है इनका ब्रीडिंग बॉक्स, बस मैंने ऐसे ही लगाया हुआ कि अगर गर्मी लगे तो चले जाए। तो चले, सबसे पहले आप मेरा भी पसीना देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इतनी गर्मी है। तो सबसे पहले आप पानी देख सकते हैं, इन सब बर्ड्स का पानी चेंज करना। और पानी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, ये विमरा वाई थे और ये ORS, ये आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि गर्मी में यही चीज़ है आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। ये जो हमारे पास ये डेथ्स हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि गर्मी की वजह से हो रही हैं। तो अभी इनका जल्दी से पानी बनाते हैं, इन सबको पानी, इन सबका पानी चेंज करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और जो हमारे चूजे थे वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे सेटअप में ना, उनकी मदर, तो वो भी दिखाते हैं आपको वो कहाँ पानी बदल ही रहा था। और मैंने इसके बाद सोचा था कि मैं ये जितने भी हमारे असील ब्रीड है इसको नहलाते हैं, मगर एक गुड न्यूज़ ये है कि आप देख सकते हैं कराची में बारिश हो रही है, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, स्टार्ट ही हुई है, देख सकते हैं आप बारिश शुरू हो गई है। तो शुक्र है अल्लाह का, मौसम इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो चलें जब अपना काम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, पानी चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर हम सबको दाना वगैरह देते हैं, और फिर वेदर को एंजॉय करते हैं। दोस्तों पानी सारे बर्ड्स का मैंने चेंज कर दिया है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपनी भी हालत देख सकते हैं पसीने से क्या हो गई है। और ये अभी भी मैं मुँह धो के नहीं आया हूँ, आप देख सकते हैं सिर्फ पसीने में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप अपने बर्ड्स अगर आपने रखे हैं कोई से भी, तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचाएं। इस मौसम में डिहाइड्रेशन, क्योंकि बर्ड्स को फौरन हो जाती है, तो उनको डिहाइड्रेशन से बचाएं। तो चलें अब मैं मुर्गियों की डाइट बनाने जा रहा हूँ, तो आपसे वो डाइट शेयर करता हूँ क्या है। सबसे पहले हमारे पास चावल पड़े, ये पानी है, पानी में ये पुराने चावल हैं, घर में आप चावल रोटी जो भी बच जाए वो आप एक ही रखते हैं मुर्गियों की, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो चावल डाल दिए हमने, अब इसमें फीड डालेंगे, हाँ वहाँ फीड पड़िए, आप अपने बर्ड्स के हिसाब से डालेंगे फीड। फीड के बाद लास्ट में आ गई अंडा, जो जैसे मैंने आपको बोला था आजकल मैं इनको डाइट में अंडा दे रहा हूँ, तो ये मैंने अंडा तोड़ के डाल दिया। और अंडे को रिमूव करेंगे और ये इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे अंडा पूरी फीड में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बर्ड्स को जितनी अच्छी आप डाइट दे सकते हैं, और उनका जो पानी है आप उनको गर्म डाइट से अवॉइड करें, ठंडी डाइट में आप अपने बर्ड्स को, और क्योंकि गर्मी बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, और डिहाइड्रेशन, ये दो काम है आपने इनसे बचाना है। और बाकी बजरी की कुछ हालत सही नहीं है, उनको इंशाल्लाह रिकवर कर लूँगा, आपको दिखाता हूँ। आपको जैसे मैंने दिखाया था अभी जो एक्सपायर हुए हैं उनको हम अभी दफनाएंगे, हमारे पास एक जगह है वहाँ पे हम बजरी को रखना था। अच्छा ये फीड तैयार हो गई, इनको ऑफर करते हैं जल्दी से, सबसे पहले ये खुलेगा नहीं, तो ये सारे केजेस को खोलता हूँ एक करके, दोनों हाथ से खोलना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे हाथ में मोबाइल है, तो जल्दी से खोल के इनको ऑफर करता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ। Thank you.
सुना दिया है। आप उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।